मेडी ग्लो हेल्थ केयर, जहाँ एंटी एजिंग, रिंकल, ब्लैक हेड्स, कील मुहासे, पिगमेंटेशन, पील्स जैसे बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। यही नहीं, अल्ट्रा एडवांस लेजर मशीन द्वारा त्वचा, बाल और लेजर सौंदर्य उपचार, साथ ही हेयर ट्रांसप्लांट सर्विस अवेलेबल। मेडी ग्लो हेल्थ केयर, महानगर लखनऊ। छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य के नाम से जानते हैं, श्री धाम अयोध्या से मैं आया हूँ। मैं यहाँ आया था चूंकि यह तेजो महालय शंकर जी का मंदिर है, जिसको गलत इतिहास बताया गया बच्चों को कि ताजमहल नहीं, तेजो महल है, और वहाँ शंकर जी की अभी भी पिंडी दबी हुई है। तो हमें, चूंकि मैं भगवा पहना हूँ, तो यहाँ का जो पुलिस प्रशासन मिलिट्री वाले लोग थे, वो बोले भगवा को अंदर नहीं जाने देंगे, अब आप ब्रह्मदंड लिए हैं, यहाँ सिर्फ टोपी वालों को अलाउ है। तो मजहब विशेष के लोगों को ज़्यादा यहाँ महत्व दिया जाता है, दुर्भाग्य है। और भगवान चाहेंगे तो यह जो लोगों के अंदर जो है एक दुर्भावना पैदा हो गई है, वो ठीक किया जाएगा। जय श्री राम। इस घटना की जानकारी मुझे भी एक स्थानीय पत्रकार के द्वारा हुई। 11:30 बजे दूरभाष पे मेरे पास फोन आया, उसके बाद मैंने संज्ञान लिया इस घटना का, और जो सेकंड हाफ में हमारे स्टाफ ड्यूटी में थे उन सबसे हमने बात किया, उन सबसे संपर्क किया, बट हमारे एएसआई के सभी स्टाफ ने डिनाई किया कि इस प्रकार की घटना उनके संज्ञान में नहीं हुई थी। उसके बाद प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जो हमारा सिक्योरिटी स्टाफ था, हमने उनसे भी बात किया, तो ये पता चला कि पश्चिमी गेट पे 5:30 बजे के आसपास एक स्वामी जी आए थे, उनके हाथ में कोई वस्तु थी। स्वामी जी के वस्त्र को लेकर के एएसआई के किसी स्टाफ ने या सिक्योरिटी किसी स्टाफ ने कोई टिप्पणी नहीं की है। अभी तक की जो जानकारी है, स्वामी जी से ये आग्रह किया गया कि जो उनके हाथ में वस्तु है उसको या तो लाकर में रखवा दें, या वहाँ रख दें, या बाहर कहीं रख दें, वो जाएं ताजमहल देखें, वापस आते समय अपना सामान ले जाएं। हम सभी जानते हैं कि ताजमहल पे दोनों तरफ से जो प्रवेश होता है, एक हाई सिक्योरिटी जोन होने के नाते फ्रिस्किंग होती है, किसी बैग में भी किसी तरह का छोटा सामान भी नहीं ले जाने दिया जाता है। तो संभवतः उसी चीज़ को देखते हुए सिक्योरिटी स्टाफ ने उनको रोका होगा और उनसे आग्रह किया था कि इसको छोड़ करके आप जाइए। वस्त्र को लेकर के मैं पुनः आश्वस्त करता हूँ, एएसआई के किसी भी स्टाफ और सिक्योरिटी पर्सन ने कोई टिक्का टिप्पणी नहीं की है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं पुनः एक बार सभी जो स्टाफ ड्यूटी पे था, जो उस समय आसपास के लोग विद्यमान थे, मैं स्वयं सबसे निजी तौर से बात करने की कोशिश करूंगा और इस प्रकरण के अंत तक जाने की कोशिश करूंगा। उनका आरोप है कि उन्होंने टिकट खरीदी थी, टिकट भी एएसआई कर्मचारियों ने वापस कर किसी और को देख के उनके पैसे वापस कराए, और जहां तक कर्मचारियों का सवाल है, कर्मचारियों की मौजूदगी में पर्यटकों ने उनका मजाक कराया, ऐसी वीडियो वायरल हुई। देखिए, इस समय हम लोग बाहर ईस्ट गेट के बाहर खड़े हुए हैं, बात कर रहे हैं, 1 मीटर की दूरी पे हमारा स्टाफ है, लेकिन चूंकि हम जो गेट लगा है उसके बाहर हैं, एएसआई का कोई भी स्टाफ या सीआईएसएफ इसमें कोई इंटरवेन नहीं करेगा, क्योंकि प्रकरण एएसआई प्रमाइसेस के बाहर है। ट्वीट किया गया है इसको लेकर, कितनी गंभीरता, कितनी टीम बनाई जाएगी जांच की? मैं यहाँ का प्रभारी होने के नाते मैं स्वतः आपके सामने हूँ, और रात में 11:30 बजे से लेकर के हम स्वयं इस प्रकरण की स्वतः जांच कर रहे हैं। और इस पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।